हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज फिर से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ इंडियन ऑयल की तरफ से। इंडियन ऑयल की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 400 वैकेंसीज लेके इस बार कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। टेक्नीशियन की पोस्ट है, सैलरी आपको 36,000 पर मंथ दिया जाएगा। ये सिलेक्शन एप्लीकेशन सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या है एलिजिबिलिटी, सब कुछ आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा एंड फॉर्म को फिलअप करने के तरीका भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, एक एक करके आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, सारे जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने ओपन कर चुका हूँ इंडियन ऑयल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जहाँ से ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। इस बार ऑफलाइन में फॉर्म फिलअप करना होगा। टेक्नीशियन की पोस्ट है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकल के आए, इसमें आप लोग 10th और ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर चाहिए। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे पोस्ट निकल के आया है, जहाँ पे डॉक्टर की पोस्ट है। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, इसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एक्सपीरियंस, इसके साथ साथ आपका रेसिडेंशियल, सब कुछ आपको यहाँ पे देना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, इन सारे चीज़ों को देख के आपको फॉर्म फिलअप करना होगा एंड देन आप लोगों को एप्लीकेशन करना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट दिया गया है, वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी की अगर बात किया जाए, 29,000 से शुरू होने वाला है आपका सैलरी। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, इसको आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए, मतलब नो एप्लीकेशन फ़ीस जिसको कहा जाता है। यानी यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, 10th और ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा एंड फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना होगा। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, इसको आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको और एक बात बताऊंगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते, इसको आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन आपको भेजना होगा। तो जल्दी से जाके एप्लीकेशन कर दीजिए। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ से आपको फॉर्म को फिलअप करके आपको डाउनलोड करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए यही आप प्रोसेस है, आपको ऑफलाइन में फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।